स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एटीएम कार्ड अप्लाई करने वाला फॉर्म। अगर आप अपने अकाउंट में एटीएम कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वाला फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको फिलअप करने की जरूरत है, मैं आज आपको ये फिलअप करके ही दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या इसमें फिलअप करना होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए, लीव वन बॉक्स स्पेस बिटवीन ईच वर्ड, एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में आपको एक स्पेस डालना होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैं समझा देता हूँ किस तरह से इसे फिलअप करना है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, आपको अपना नेम यहाँ पे डालना है, ठीक है, और कैपिटल लेटर्स में ही डालना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए, कैपिटल लेटर्स। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के ही बता देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे लिखना है। जैसे मेरा नाम है सूर्या, SURYA, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना सरनेम लिखने से पहले, यानी टाइटल लिखने से पहले आपको एक स्पेस यहाँ पे छोड़ना है। सूर्या, यहाँ पे लिख दिया मैं प्रकाश, ओके, ये मेरा नाम है, ठीक है। आप यहाँ पे अपना सरनेम लिखिएगा, हो गया। अभी यहाँ पे लिखिए मेल या फीमेल, डेफिनेटली मैं मेल हूँ, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, मतलब टिक मार्क कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस फॉर कॉरेस्पोंडेंस, मतलब आपका एड्रेस, जो भी एड्रेस आपका यहाँ पे बैंक में एडेड होगा, ठीक है, वही वाला एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। कोई भी एड्रेस हो सकता है आपका, तो अपना एड्रेस जो है वो एकदम साफ साफ यहाँ पे लिखिए, ठीक है, हो गया एड्रेस। आपने यहाँ पे एड्रेस अपना लिख दिया, अब यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस डालिए, कौन सा सेक्टर, कौन सा एरिया, कौन से रोड में आप रहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आप अच्छे से एकदम लिखिए। कौन सा सिटी है आपका, ठीक है, वो सिटी भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया है मुंबई, ठीक है। वैसे तो मैं राउरकेला में रहता हूँ, उड़ीसा में, तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मुंबई लिखे हैं तो यहाँ पे महाराष्ट्र लिखिए, ठीक है। तो आप अपना पूरा एकदम प्रॉपर एड्रेस आप यहाँ पे लिखिए, महाराष्ट्र TRA होगा, ठीक है, आप आराम से लिख दीजिएगा, मैं थोड़ा सा काटकूट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर काटकूट मत करिएगा, ठीक है, ओवर राइटिंग मत करिएगा, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे आपको अपना पिन कोड जो है एकदम साफ साफ यहाँ पे लिखना है, ठीक है, पिन कोड लिख दिए। अभी आपको अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डालना है, तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे आराम से लिख दीजिए, ठीक है, मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे ठीक से लिख दिया। तो अभी आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीजें जो फिलअप करनी है वो है प्राइमरी अकाउंट, सेकेंडरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, ये सब आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपका प्राइमरी अकाउंट है तो यहाँ पे प्राइमरी अकाउंट मतलब आपका एक ही आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, मेन अकाउंट आपका यही पे है और आपका यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट नहीं है, ठीक है, या फिर आप एक करेंट अकाउंट ओपन किए हैं और दूसरा सेविंग अकाउंट ओपन किए हैं, तो उनमें से आपका कौन सा प्राइमरी है, कौन सा ज़्यादा प्राथमिकता आप जिस अकाउंट को दे रहे हैं वो यहाँ पे लिखिए। अगर आपका सिर्फ एक ही अकाउंट है तो यहाँ पे आप सेविंग्स में टिक करिए, हो गया। सेकेंडरी आपका अकाउंट कोई है नहीं, मतलब कोई करंट अकाउंट वगैरह आपका नहीं है, ओके। यहाँ पे सेविंग अकाउंट का नंबर, आप यहाँ पे अपने सेविंग अकाउंट का नंबर पासबुक में देखिए और एकदम क्लियर यहाँ पे लिखिए, ठीक है, कोई भी काटकूट मत करिएगा इसमें, हो गया। तो काफ़ी हद तक आपने यहाँ पे फिलअप कर दिया है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं डिक्लेरेशन पे। आई एम अवेयर द टर्म एंड कंडीशन, ये ऐसा 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 है, मैं यहाँ पे ATM कार्ड का अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, द बैंक विल कॉल माई रेसिडेंस या फिर ऑफिस कनेक्शन प्रोवाइडर। आप बैंक अगर चाहे तो मेरे घर का वेरिफिकेशन करने के लिए कोई लेटर वेटर वगैरह भेज सकते हैं, कॉल वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे हम लिख रहे हैं। नीचे वाला ये जो हिस्सा है आपका, ये आपका रह गया फॉर ऑफिस यूज, ये बैंक वाले अपना भरेंगे, तो और इसमें कुछ भरने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर करिए, ठीक है, जो भी सिग्नेचर है आपका बैंक में, जो सिग्नेचर है आपका वही वाला सिग्नेचर करिए, ठीक है, कोई भी शॉर्ट सिग्नेचर मत कर दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए बस ऐसा कर दिया है, लेकिन बैंक में आपका जो भी सिग्नेचर रजिस्टर्ड है वही वाला सिग्नेचर आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ पे ब्रांच कोड भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, ब्रांच अगर जो नेम होगा आपको लिख भी सकते हैं,
वो ब्लैंक छोड़ने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, ठीक है। तो ये देखिए मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले अपना नाम लिखिए, फिर मेल या फिर फीमेल में टिक करिए, अपना एड्रेस एकदम सही सही लिखिए, यहाँ पे सिटी कौन सा है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, अपना मोबाइल नंबर डेफिनेटली आपको यहाँ पे डालना ही है, क्योंकि एटीएम कार्ड जब आपका डिलीवर होगा तो उसमें अगर कोई भी दिक्कत आई तो इस फ़ोन पे वो लोग कॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टिक करिए प्राइमरी अकाउंट में, ओके। और फिर यहाँ पे अपना सेविंग अकाउंट का नंबर, बैंक का अकाउंट नंबर आप पूरा अच्छे से यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे करिए साइन। और यहाँ पे कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो एटीएम कार्ड है वो पोस्ट के थ्रू आपको मिल जाएगा, लगभग 7 दिन के अंदर ही मिल जाता है, कभी कभी आपका ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, अगर कोई हॉलीडेज़ वगैरह चल रहे हो या फिर कोई और दिक्कत आ रहा हो, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे 7 से 10 दिन के अंदर आपको यहाँ पे आपका एटीएम कार्ड मिल जाएगा। और अगर आपके घर में ये डिलीवर नहीं हो पाता है, किसी वजह से आप घर में नहीं हैं, अवेलेबल नहीं है, तो ये वापस पोस्ट में चला जाता है और फिर उसके कुछ दिन के बाद आपको बैंक में ये मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो इमीडिएटली, अगर लेना चाहें तो बैंक वालों से बात करके आप इमीडिएटली भी एक एटीएम कार्ड अपना ले सकते हैं, जैसे रुपए कार्ड वगैरह होता है वो ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें आपका नेम जो है वो प्रिंटेड नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप नेम प्रिंटेड वाला चाहते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एटीएम कार्ड्स। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और कोई हेल्प मिली हो, कुछ चीज़ें सीखने को मिली हो, तो लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.